Good morning, student. How are you? I am Anita Nishad from Akshari School. Today I am going to tell tens, ones and hundred for standard first and second class. जैसे कि first standard में tens, ones तो important होते ही हैं, वैसे ही second standard में tens, ones और hundred आ जाते हैं. तो आज हम first standard में पहले जैसे tens, ones. तो पहले question दिया जाता है tens plus ones. और आपको आंसर में न्यूमेरल और नंबर नेम लिखने होते हैं. तो 20 प्लस 6 इसको हम न्यूमेरल में राइट करेंगे 2626 और नंबर नेम TWENTY20SIX6 यानी कि नंबर नेम में उसके स्पेलिंग लिखेंगे और न्यूमेरल में उसके नंबर. देन आफ्टर 20 प्लस 7 टेंस वंस आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो आपको राइट करना है 12727 उसके स्पेलिंग 27. देन आफ्टर 10 प्लस 8 अगर आपको दिया रहे तो आपको न्यूमेरल पहले राइट करना है 1818 उसके बाद आपको नंबर्स नेम में 18 के स्पेलिंग राइट करने हैं. नेक्स्ट आपको अगर नंबर नेम दिए होते हैं जैसे स्पेलिंग दिए होंगे आपको लिखना रहेगा टेंस प्लस वंस और न्यूमेरल उसके आंसर फाइंड करने रहेंगे. तो आप 11 का आप लिखेंगे 10 प्लस 1 और 11 तो आपको ऐसे नहीं राइट करना, पहले नंबर लिखने हैं. ये तो आप नहीं तो फिर आपको मिस्टेक होगी. 11 का पहले 1111 न्यूमेरल लिखेंगे, देन आफ्टर वंस में 1 लिखेंगे, फिर टेंस में 1010 10 प्लस 1 11 उसी तरह से 14 स्पेलिंग दिया रहेगा. तो सबसे पहले आप न्यूमेरल लिखेंगे 1414 फिर वंस प्लस 1010 तो आपका हो जाता है टेंस प्लस 1 न्यूमेरल. उसी तरह से 18 का पहले आप 1818 फिर उसके बाद आप वंस में 8 लिखेंगे और टेंस में 1 प्लस 18. देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग 171. तो आपको इसके नंबर लिखने पड़ेंगे 171. आपको स्पेलिंग दिया रहेगा 171 तो आपको न्यूमेरल 171 राइट करने हैं. अगर आपको स्पेलिंग में 191 दिया रहेगा तो जैसे 191 तो आप उसका न्यूमेरल लिखेंगे 191. उसी तरह से स्पेलिंग अगर आपको फिर 269 दिया रहेगा तो आप लिखेंगे 269 यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में 100 तक स्पेलिंग आ जाते हैं बट सेकेंड स्टैंडर्ड में 1000 तक नंबर्स नेम आपको स्टूडेंट को आते हैं. तो आपको 1000 तक नंबर्स नेम उसमें आपको बताना रहता है. कोई भी न्यूमेरल आपको 3 डिजिट नंबर में दिए रहेंगे तो आपको उसको नंबर्स नेम स्पेलिंग राइट करना है. उसी तरह से फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक्सपेंडेड फॉर्म, सेकेंड स्टैंडर्ड में भी एक्सपेंडेड फॉर्म आते हैं. 2 डिजिट नंबर यानी कि वंस टेंस हमने पढ़ा होगा 64 तो 4 वंस है और 6 टेंस है तो उसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है. तो हम पहले क्या करेंगे 60 यानी कि स्टूडेंट को ऐसा समझाना है कि 6 के बाद 6 आफ्टर 1 न्यूमेरल है तो आपको एक अंक है तो आपको 6 के बाद एक जीरो लगाना है. तो यानी 60 प्लस और 4 आफ्टर कोई भी नंबर नहीं है तो आपको 4 का 4 लिख देना है यानी कि वंस में कभी भी जीरो नहीं लगते हैं. वंस का जो भी आपको नंबर दिया रहता है वो आपको यहाँ राइट करना है. तो आपको एक्सपेंड करना है 60 प्लस 4 तो आप लिख दोगे 6 टेंस प्लस 4 वंस यानी आपको इसको एक्सपेंड करके लिखा 6 टेंस प्लस 4 वंस. उसी तरह से जैसे हमने 2 डिजिट नंबर को लिया अब हम 3 डिजिट नंबर लेंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड दोनों में आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं. तो 139 न्यूमेरल दिया है 3 डिजिट नंबर तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया अभी तक 2 डिजिट नंबर में टेंस वंस, अब आपको 100 टेंस वंस यानी कि सबसे पहले आप 1 के बाद 2 अंक है तो आप 2 जीरो लगाएंगे प्लस 3 के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो लगाएंगे. तो 100 प्लस 30 प्लस 9 तो
बोल 139, तो आपको इसका एक्सपेंडेड करना है, फैलाना है, तो वन के बाद थ्री दो अंक है तो आपको दो जीरो लगाना है, स्टूडेंट को ऐसे समझाना है, और थ्री के बाद एक नंबर है तो आपको एक जीरो लगाना है, तो 100 + 30 + 9 यानी 100 + 30 + 9 ये एक्सपेंड हो गया। अब आपको 100 + 3 × 10 + 9 स्टूडेंट को ऐसे समझाना होता है। उसी तरह से जिस तरह से हमने राइट द प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, अभी तक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिया, अब उसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है, तो हम बताएंगे 139 का प्लेस वैल्यू। जैसे आपने यहाँ पर राइट किया था 100 + 30 + 9, अब उसका प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, सबसे पहले 9 पर 1 एरो देंगे और बताएंगे 9 ones, 10 आफ्टर 30 पे एरो करेंगे, बताएंगे 3 tens, उसके बाद 100 पे आएंगे, ones पर एरो करेंगे 100s, तो आपने अभी इस एक्सपेंडेड फॉर्म का प्लेस वैल्यू बताया। तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों को, राइट द शॉर्ट फॉर्म। जब अभी तक आपने एक्सपेंड किया, अब आप इस नंबर को एक्सपेंड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करोगे, जैसे 300 + 70 + 2, तो आपको उसका शॉर्ट फॉर्म पहले 3 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर 2, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, 700 + 10 + 4, तो आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए 714 यानी 714, ये आपका शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। तो